पंजाब के बाद हरियाणा ऐसा राज्य है जिसका अन्न के योगदान में दूसरा नंबर आ रहा है हिंदुस्तान में, और उद्योग की बात की जाए तो कितने हजार करोड़ का निवेश हुआ है राज्य में, और कितनी फैक्ट्रियां सब लोग जानते हैं, छोटी बड़ी सारी चीजें याद होती है, पर ये भी सब लोग जानते हैं कि सबके बाद इस राज्य को इस क्षेत्र को वही बात को इलाके को जहां देते हैं क्या मिला, पानी नहीं। जबकि 1960 में हुई सिंधु जल संधि जो कानूनों में है हकीकत है उसका कोई ध्यान से अध्ययन करें तो साफ साफ पता चलता है कि भारत सरकार ने 1960 के दावियों के आधार पर जो पानी है वो राजस्थान और पंजाब के उस वक्त का पंजाब हरियाणा को जारी करना राजस्थान और पंजाब के गहरे रेतीले और खारे पानी के क्षेत्र के लिए ही मांगा था, यानी कि सही बात और कुछ राजस्थान का हिस्सा उसके लिए। और 74 से यह पानी के अंतर से जो ब्यास नदी है उसका 16.2 लाख एकड़ पानी भाग्या के द्वारा हरियाणा में आ रहा है, पर वो आज तक वहां नहीं पहुंचा जहां के लिए वो आया था, यानी कि हमारे पास तो कौन है जिम्मेदार? क्यों छोड़ो हम यहां वोट लगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दूसरी बात है उद्योगों की, सब जानते हैं गुड़गांव बाबर मानेसर गालवेड़ा कितनी कई सौ फैक्ट्रियां हैं, सुई भी बनती है गाड़ी भी बनती है सब कुछ बनता है और कई हजारों लाखों रोजगार भी है। 2004 तक लगभग 75-80 हजार के आसपास रोजगार पैदा हुआ था यहाँ पर, और उस वक्त हमारे इलाके के अंदर बता के 8,000 आदमी हजार वहां पर, और आज 2010 आते आते ये आंकड़े बढ़कर 1.5 लाख हो गया होगा, 1.5 लाख आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पर। पर हमारा सिर्फ 10% से ज्यादा आदमी यहाँ मिल रहे हैं, 50% से ज्यादा नहीं होगा। सब लोग जानते हैं बात, मैंने लोगों से मिला कहते भाई तुम हमारे कार्य देख रहे थे चले गए इसको उसकी मेहनत करना अरे करते थे कि नहीं नहीं इसको जमीन हमारी लेनी वो भी पड़े हुए गाँव प्रदूषण फैला के पानी हमारे खराब कर दिया हवा यहाँ की खराब कर दी, पर जब रोजगार की बात है तो बाहर के लोगों को देख लो यहाँ के लड़कों के लिए नहीं है, और जो दो चीजें जिससे हरियाणा की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान है उनमें से एक तो हमारे लिए बनी थी यानी कि पानी, पर वो आज तक बाहर नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था, और दूसरी हमारी कमियों को कही है पर उसे हमें गंदे पानी और गंदी हवा के अलावा कुछ नहीं मिला। अटारी में कटोरी यादव विधायक है तो इन्होंने यहाँ पे लड़के लड़कियों के लिए रीजनल सेंटर बुलाया था, चार विषय आए थे 20 साल हो गए 22 साल हो गए आज तक वो विषय चार के चार ही है एक ही नहीं बना। अब ये बात तो कर रहे हैं बना भी रहे हैं पर इतनी गति से हमने देखी और देखते कितनी और देर लगती है, जबकि उसके 4 साल बाद यानी 93 तक हिसार और सिरसा में भी 2 अलग अलग डिजिटल सेंटर खोले गए, और 8 साल के अंदर 99 से पहले के पहले दोनों के दोनों विश्वविद्यालय में तब्दील हो गए, हिसार बन गया खुद जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी सिरसा बन गया राव केरियार यूनिवर्सिटी, और हम आज तक वही के वही खड़े जहां हम 4 सब्जेक्ट के पास भी नहीं हुए। तो ना मान लो 90 के दशक में इस इलाके की उत्पत्ति
और अभी एक्टिव में देखा था कि जो सबसे ज्यादा की में डर नाम पाइटर पूरी आदत ये डाल दे तो विकल्प भी नहीं है, क्या चलेगा? दावे भी ऐसा करती मैं अभी नीचे अब तो समय हो गया नाना गया था अफ्रीका में है वहां मैंने देखा कि कुछ समाज सेवियों ने खेल को सहारा बनाया नशे से बचने का विकल्प बनाया वो तो हम सभी पीछे हैं बहुत पीछे गरीबी है पैसा नहीं है लोगों के पास इतना सर्दी तो हम जगह बड़ी अच्छी है कि नशे की आदत से पूरी तरह से बचा हुआ तो उन्होंने काम किया जो विकल्प बनाया और आगे बढ़ने का एक जरिया बनाया हमें भी बस एक ऐसा विकल्प पैदा करना है हमने एक